सो लड़के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू के वाइस 73 डिवाइस के अंदर आप स्पीड स्क्रीन सेटिंग्स का यूज कैसे कर सकते हैं। स्पीड स्क्रीन मींस हम अपने स्क्रीन को दो स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम स्पीड स्क्रीन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको। मेरा यहाँ पर फेसबुक है और मैं इसको स्पीड करता हूँ, यहाँ पर मैंने स्पीड कर दिया है। अब क्या होगा कि देखो गाइस, एक चीज और ध्यान देनी होगी, जितने एंड्रॉयड 11 वाले डिवाइस होते हैं उसमें ऊपर से अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपका स्पीड नहीं होगा बल्कि वो स्क्रीन शॉट होता है। जितने एंड्रॉयड 10 के डिवाइस होते हैं उसमें अगर ऊपर इस तरह से स्क्रॉल करते हैं तो इसका स्क्रीन शॉट हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड 11 के लिए स्पीड करने के लिए ऊपर हम इस तरह से स्क्रॉल करेंगे। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको स्पीड करके। यहाँ पर आना है आपको, इस तरह से ऊपर स्क्रॉल डाउन कर देना है तो ये जो आपका फेसबुक जो हमारा है ये प्रॉपरली स्पीड हो जाएगा। मैं ऊपर अगर इसको करता हूँ तो, हालांकि मैं ऊपर कर रहा हूं तो ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूं, इसी तरीके से स्क्रीनशॉट हो रहा है और ऊपर करने से हमारा स्पीड भी होता है। तो मैं आपको उसे दिखाना चाहूंगा ताकि आप इसका यूज कर पाए। सबसे पहले मैं सेटिंग्स को ऑन करना सिखाता हूं। सेटिंग्स को क्लिक कर लेना, आपके फोन के अंदर एंड्रॉइड 11 रन कर रहा है तो सेटिंग्स आपको सेम मिलेगी, डिफरेंट नहीं मिलेगी। आपको पहला तरीका मिलता है सर्च बटन, आप चाहें तो यहां पर सर्च कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन। जैसे कि मैं यहां पर सर्च कर लेता हूं स्प्लिट स्क्रीन। अब यहाँ पर साइड स्पीड स्क्रीन का ऑप्शन आ चुका है जिसमें अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसको स्पीड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्पीड स्क्रीन सेटिंग्स हमारे पास ओपनली हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आपको मैनुअल अगर इसका यूज करना है तो मैनुअल आपको करने के लिए नीचे आना है। मैनुअल करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो कुछ से ऑप्शन अलग होते हैं, कुछ ऑप्शन सेम होते हैं, एंड्रॉइड 11 में सेम मिलेंगे। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है जिसमें सेकेंड ऑप्शन हमें मिलता है स्मार्ट स्पीड का, तो हमें इसे क्लिक करना यहाँ से, जिसमें इनेबल स्क्रीन स्प्लिट है, रिकमेंडेड स्क्रीन स्प्लिट एप्स है, दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनेबल वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर साइड अप करने से हमारा स्क्रीन शॉट देखो इस तरह से होगा, स्प्लिट होगा, जो आप डेमो में देख सकते हैं। इसको हम ऑन कर देंगे। मैसेज स्क्रीन स्प्लिट है, इसके बारे में हम इसको ऑन करेंगे जिसमें व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, मैसेज के जो एप्लीकेशन होंगे वो आपको मैसेज में कुछ इस तरह दिखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आपको मिल जाएंगे जो लास्ट वाला ऑप्शन था। जब भी आप फोन को यूज करेंगे कोई इन एप्लीकेशन से कोई नोटिफिकेशन आता है और आप उसे क्लिक करते हैं एरो पे तो आपका फोन प्रॉपरली स्पीड स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि अगर देखेंगे तो आप यहां से भी कंट्रोल सेंटर से भी इसको कर सकते हैं स्पीड स्क्रीन। साइड में जहां से हम रिसेंट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं वहां से भी इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो सबको ऑन कर लेना, हालांकि मैं सबका डेमो आपको अभी आगे दिखा दूंगा। बैक आएंगे, रिकमेंडेड स्क्रीन स्प्लिट है, इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे। कुछ एप्लीकेशन जब हम स्प्लिट स्क्रीन में यूज करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन आपको यहाँ पर जैसे दिख रहा है डेमो में रिकमेंडेड करते हैं एप्लीकेशन, तो आपको जब उस पर क्लिक करेंगे तभी आपका फोन जो है स्प्लिट स्क्रीन में रहेगा, वहां से हटेंगे नहीं। तो आप इस रिकमेंडेड स्क्रीन स्प्लिट ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है इसको यूज करने की, तो इसके यूज करने के लिए हम फेसबुक के बजाय हम यूट्यूब को ओपन करेंगे और थ्री फिंगर का यूज करके आपको दिखाएंगे। मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल अपना ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर थ्री फिंगर को इस तरह से एरो बनाऊंगा। देखो सकते हो जैसे मैंने बनाया, हमारा जो YouTube है उसका एक अलग पैटर्न बन चुका है स्क्रीन, और नीचे हमारे जो स्क्रीन में एप्लीकेशंस हैं उससे मैं यहां से स्प्लिट कर सकता हूं। जैसे कि मैं अब YouTube के साथ Facebook को अगर यूज करना चाहूं तो Facebook पे मैं क्लिक करूंगा, अब हमारा Facebook भी यहां पर है और हमारा YouTube भी यहां पर है। तो ये तरीका है हमारा पहला थ्री फिंगर का यूज करके, और हम चाहें तो इसको यहां से इस तरह से क्लोज कर सकते हैं या फिर एग्जिट का ऑप्शन होता है, आप एग्जिट करेंगे तब भी यहां से हट जाएगा। अब हम बात करते हैं कंट्रोल सेंटर की। कंट्रोल सेंटर को यूज करने का सेम तरीका है, यूट्यूब चैनल को हमने यहां पर ओपन कर दिया। कंट्रोल सेंटर में आएंगे, यहां पर राइट साइड में करेंगे, जहां पर भी आपको स्पीड स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है यहां पर हमारे फोन के अंदर, इसको आप जस्ट एक बार क्लिक करिए, आपका फोन जो है प्रॉपरली स्पीड स्क्रीन में अगेन क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड तरीका था, वो था रिसेंट एप्लीकेशन। इसको यहाँ से करेंगे, रिसेंट ऐप पे आएंगे जिसमें इस वाले एरो को क्लिक करेंगे जिसमें यहाँ पर स्पीड स्क्रीन का ऑप्शन थर्ड नंबर का है, इसको हम क्लिक करेंगे, ये अगेन स्पीड स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ऐसे ही गाइस यूज करना है स्पीड स्क्रीन सेटिंग्स का। आई होप आपको टोटल सेटिंग्स समझ में आ गई होंगी, लेकिन आपके मन में फिर भी इसके रिकॉर्डिंग कोई कन्फ्यूजिंग वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।